हाय फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आप ठंड या विंटर की सीजन रहती है उसमें आप ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? हर एक के पास अलग अलग मेथड रहती है, जैसे कि कोई क्या करेगा, लकड़ियाँ जलाएगा उसके सामने बैठ जाए, तो फिर कोई क्या करेगा कि गर्म कपड़े पहनेगा, जैसे कि स्वेटर जैकेट्स वगैरह गर्म कपड़े रहते हैं, वुलन कपड़े वो पहनेगा तो ठंड से बच जाए। कोई क्या करेगा कि पूरा एक कंबल लेगा, सर तक ओढ़ेगा और रात तक सोता रहेगा। लेकिन इसमें एक नुकसान है आपको, अगर सर तक आप कंबल ओढ़ के रखते हो, ठीक है, आपकी जो इनहेलेशन प्रोसेस है, जो एयर आर जा रही है आपके नाक से, ठीक है, वो आपके कंबल और आपकी बॉडी के बीच में रहती है। क्या होता है कि वो जो बाहर की जो सराउंडिंग एयर रहती है वो आपको मिल नहीं पाती है और आपकी हेल्थ को नुकसान है। और दूसरी बात, आपके घर में कोई अगर नया बच्चा जन्म लिया है या फिर कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसको ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो ये सब तीन जो मैंने तरीके बताए वो कुछ आपको यूजफुल होने वाले हैं। आपके पास मतलब कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर कोई फैसिलिटी होनी चाहिए जो आप आपके बच्चे को ठंड से बचा पाए, बाहर की ठंडी हवा से बचा पाए, अदरवाइज उसको क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा बहुत जल्दी। दोस्तों, मैं हूँ अनिल पटेल, मेरे चैनल का नाम है रिव्यू फटाफट, और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ जो आपकी ये सारी परेशानियों का हल कर देगा, आपकी ये सारी मुश्किलों से आपको छुटकारा दिला देगा। और ये आपके जो नो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, तो आपको पूरी सीजन ठंड से दूर रखेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में आगे जानना है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हो क्या है, ये ऑर्पेट कंपनी का रूम मीटर है, ठीक है, ये ऑर्पेट लिखा हुआ है, ऑर्पेट कंपनी का रूम मीटर है। ये बहुत ही लाइट वेट है, आप कोई भी रूम में आ जा सकते हो उसको लेकर, बच्चा भी इसको आसानी से उठा सकता है। अभी इसका बॉडी भी देख लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश लुक है, एकदम रिच लुक लगता है, बढ़िया दिखता है कहीं पे पड़ा रहेगा तो। और ये प्लास्टिक की बुड़ी है, बॉडी है पूरी, तो ये हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता इसमें, ओवर हीट प्रोटेक्शन अंदर है ही, लेकिन ये हीट बाहर से भी नहीं होता है, क्योंकि अंदर कॉयल है तो वो हीट होगी, लेकिन ये प्लास्टिक की बॉडी इतनी हीट नहीं होगी। और इसके आगे यहाँ पे पिंस दिया गया है, तो क्या आपको उंगली अंदर जाएगी तो पीछे कॉयल है, तो ऐसा कुछ इंजरी का खतरा भी नहीं रहता है, अगर चालू रहेगी तो आप यहाँ से ऐसे हाथ रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कॉयल ओपन नहीं है, राइट। अभी इसका पीछे ये स्टैंड दिया गया, इसको आप स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हो रखने के लिए, या तो फिर जो ये वायर है इसको ऐसे स्टोर कर सकते हो, ऐसे ऐसे स्टोर कर सकते हो, जब आपका यूज नहीं हो तो इसे इसके स्टोर करके रख दीजिए, हो गया। अभी दूसरी चीज, इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। ये जो बटन है उसमें चार फंक्शन है, पहला है ऑफ, सेकंड वन इज फैन, अगर आपको हीटिंग नहीं चाहिए फैन ही चाहिए तो फैन से चला सकते हो, राइट। दूसरा है लो टेम्परेचर, थोड़ा हाइट होगा, और दूसरा है फोर्थ वन है एकदम हाई टेम्परेचर, ये अलग अलग इसका फंक्शन है। ये ऊपर का बटन है, इससे फैन की स्पीड कंट्रोल होती है, जो फैन जो आपका एयर फ्लो होता है उससे कंट्रोल होता है, ये 1 2 3 4 ऐसा करके आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको एकदम से फैन चलाना है और फोर्थ लेवल पर रख देते हो तो एकदम फैन जैसा ही लगेगा ये, तो ये विंटर एज वेल एज समर में भी काम आएगा आपको। और मैंने जैसे बोला था आपके बच्चे को तो सेफ रखेगा ही इसको, क्योंकि यहाँ से पूरा सेफ है, कोई इश्यू नहीं है, बच्चा भी ऐसे इसको आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चे से इसको दूरी रखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, तो बच्चों को इससे दूरी रखिए दोस्तों। और एक बात, ये जो रूम हीटर है इसका कॉइल है बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल, इसका आपको लो मेंटेनेंस आएगा, पावर का इतना यूज नहीं होता है, ये इफेक्टिवली डिजाइन किया गया है, तो आपका इतना लाइट बिल भी नहीं आएगा, और आपके रूम को विद इन 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स में पूरा हीट कर देगा, अगर आपका इसका टेम्परेचर जो कंट्रोल है या फिर फैन का स्पीड है वो हाई पे रखते हो, अगर आप लो पे रखते हो तो डिपेंड करेगा कितनी थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इसकी आवाज है बहुत कम है, जब आप सोते रहोगे तो आपको वो नॉइज नहीं आएगा, ऐसा आवाज नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चालू है, ठीक है, आप अगर बाजू में हाथ रखोगे तो पता चलेगा कि एयर आ रही है तो चालू है, तो इतनी आवाज बहुत साइलेंट है, तो आप चैन से सो पाओगे पूरी रात। तो ये इसका फंक्शन ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे रूम हीटर्स में ऐसा नहीं रहता है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये रूम हीटर को एक बार ट्राई अवश्य कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, आपके बच्चे को अब
उनसे अच्छी तरह से बचा पाओगे और उसकी हेल्थ को कोई रिस्क नहीं रहेगा। आपको ये प्रोडक्ट अगर बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं। या तो फिर किसी को सजेस्ट करना है तो वीडियो उसको शेयर कर दीजिए, वो वहां से लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो सीजन चल रहा है उसमें, जैसे कि मैंने ये बोला कि भाई ये हीटर अच्छा रहेगा ठंड के सीजन में, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं या फिर मैं कोई नया वीडियो ला सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय।